इफ़ाट टीम जो है कि रसा मैडम आई हुई है, तो हम सब कोई ताली बजा कर रसा मैडम का स्वागत करेंगे। अभी जो के माध्यम से जो जो काम हुआ है उसके बारे जो भी उसमें जो सुधार का अपेक्षा है उसके उनके बारे और जो काम हुआ है उनके बारे ये जानकारी लेने आई है। और साथ में आप लोग क्या मतलब इस काम में सुधार चाहते हैं और क्या आप लोग का अपेक्षा है और जो भी काम चल रहा है उससे आप लोग को कैसा लाभ हो रहा है, इन सब के बारे में आप लोगों को उसके माध्यम से हम लोग कैसे उसमें आय में वृद्धि कर सकते हैं, है ना, इन सब सारे बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी हम काम क्या है, उनका नाम है सबको बहुत बहुत जोहार। कैसा लग रहा है आपको? तो आप लोग काम कर रहे हैं उससे अच्छा लग रहा है, जेटल परियोजना आपके बीच में है इससे अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ कुछ काम भी कर, बकरी पालन हो रहा है और क्या हो रहा है बताइए, सब्जी का खेती, पोषण वाटिका और किसान सेवा केंद्र, काफी खुश हैं। यहाँ पर आज जैसा अभी आपको बताया गया कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं, है ना, तो आप इनके साथ वार्ता करिएगा, सीधा संवाद, है ना, आमने सामने बैठ के। What is very important for us is to understand how the JTEL program is being implemented, what is working well for you and what can be improved. Because the ultimate aim is really to improve food security and incomes. ये दीदी बोल रही हैं कि जैसा आप जानते हैं ये कार्यक्रम से आपका जीवन स्तर में सुधार होना है, आपका आय में वृद्धि होना है, आपको खुशहाल होना है, तो ये कार्यक्रम से आपको कितना लाभ हो रहा है वही हम देखने आए हैं। हम कोई आप में खामी निकालने नहीं आए हैं, हम आपको आपका देखने आए हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उससे फायदा हो रहा है कि। So if I look at a lot of things that the project has done here, I think there are close to 15 different activities. ये बोल रही है कि हमको जो किताब मिला है जिसमें कि हम देखने से पता चल रहा है कि आप लोग अभी जो 3.5 साल में लगभग 15 गतिविधि को आप लोग किए हैं। So like the pond, the shallow well, the goat tree low cost shed, the pump set, the solar lanterns, the nutrition gardens, the vegetable clusters, the farmer service center, the SRI farming, irrigation well, self help groups, the youth groups, the Gram Sabha project executive committee. So from all of these activities, which one do they feel is helping improve their livelihood? ये इसमें आपका जो है वो एक तालाब का बात किया गया है, फिर आपका जो कुआं है वो बना है, फिर बकरी का शेड बना है, पंप सेट बटा है, सोलर लालटेन बटा है, फिर पोषण वाटिका का काम हुआ है, सब्जी क्लस्टर का काम हुआ है, फिर आपका जो किसान सेवा केंद्र बना है, फिर SRI विधि से आप धान का खेती कर रहे हैं, उसके अलावा सिंचाई का सुविधा जो सिंचाई का कुआं बना है दो टो आपके यहाँ, उसके अलावा स्वयं सहायता समूह, युवा समूह और ग्राम सभा PEC जो है वो इतना चीज आप लोग तो काम किए हैं, तो क्या चीज से आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्या बढ़िया लगा आप गाँव में? वो सबसे ज्यादा जो सिंचाई कूप, जैसे कि वो आस पास में कोई सिंचाई का खेती लायक जमीन वहाँ पर सिंचाई के लिए कुछ सुविधा नहीं था वहाँ पर, और जब से हम लोग का ये सिंचाई कूप बना है उसमें काफ़ी किसानों का लाभ हो रहा है और आसपास के जितने भी जमीन है वो सिंचित हो रहा है और उसमें से हम लोग सब्जी खेती हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, इसमें काफ़ी
उत्पादन में बढ़ोतरी हो रहा है, साथ साथ में हम लोग का जो आय में वृद्धि भी हो रही है। कितना किसान का खेत पड़ता है उसमें? 25 से 30 किसान एक सिंचाई कुप में, और दूसरा में भी उतना ही, दूसरा में भी सेम वही है सर। ये पूछ रही है आपसे कि आप जो अभी बताए कि दोनों जो कुआं बना है उससे आपको लाभ मिला है, तो आप ये बताइए कि आप गर्मी में, रबी में और खरीफ में किसमें फसल क्या क्या उपजा रहे हैं उन लोग? जो इससे पहले के चुआ ग्रुप के सहयोग से ही बना है, पहले जेडीएस के तरफ से एक चुआ 15x8 का बना हुआ है, वो कुआ में तीनों सीजन में रबी, खरीफ और गर्मा में, और गर्मा में से गेहूँ हो, फिर उसके बाद टमाटर का सब्जी, बैंगन का सब्जी, और खरीफ में जैसे कहीं पानी का अगर असुविधा हो गया तो उसी कुआ से सिंचित करके वो उसमें पानी हम लोग दे के फसल को उपजा सकते हैं। रबी में क्या बोले? रबी में गेहूँ है, आलू, टमाटर, भिंडी एंड टोमेटो, और ये खरीफ में? खरीफ में अभी सर धान की पैडी इन खरीफ। गर्मी में? गर्मी में नेनुआ, बोदी, कच्चू, खीरा, दे आर टेकिंग लोबिया, देन कुकुम्बर, लोबिया, गोभी, कॉलीफ्लावर, so this is sense, you know, from now being able to cultivate in Kharif, in Rabi, in summer, the incomes of the farmers who are benefiting from this irrigation well, has it doubled, tripled? एक चीज बताइए, पूछ रही हैं कि जो उससे कितना, एक एक किसान का आय कितना हुआ, दुगना हो गया कि 1000 कमा लिए कि 5000 कमाए, तो वो अंदाजा इनको नहीं लग रहा है? सर अभी तक हम लोग का उसमें उत्पादन में वृद्धि आया है, एक से डेढ़ गुना, दो गुना तक नहीं पहुंच पाया है, मतलब एक से डेढ़ गुना हो गया है धीरे धीरे, ट्राइंग टू गेट डबल यील्ड फ्रॉम दैट। 10 से 15 हजार रुपया उसका एक सीजन में आ जाता है। कितना डिसमिल में? 25 डिसमिल में। हाँ बोलिए। ये हो जाता तो पूरा अगर 10 हजार की, 12 हजार की, 15 हजार कितना? अराउंड 15,000 आपके दादा के अलावा और दादा मोर फार्मर इज विलिंग टू टॉक फ्रॉम देयर ओके हां दादा दादा इधर आ जाइए अगर सुन नहीं पा रहे इतना अच्छा कुआं में नहीं आता पथरीली जगह है और उतना अच्छा पानी नहीं है जितना हम लोग को जरूरत पानी आता है तो कम पानी आता है पूरा गर्मी में हम लोग खेती करने लायक नहीं रह जाता बहुत कम खेती होता है एक दो क्यारी में खेती होता है तो हम लोग चाहते हैं कि गर्मी में भी भरपूर पानी हो जाए भरपूर यदि खेती करें तो गर्मी में भी हम लोग को अच्छा लाभ मिले दादा क्या करने से अच्छा दो कुआं बना ऐसा में भी उतना पानी खूब जितना चाहिए उतना पानी नहीं हो पाया कारण नीचे हम लोग का जमीन के नीचे पत्थर निकल रहा है पथरीली जगह है क्या कर तो कुछ कामयाब होगा मेरे विचार Village is under above the rock bed. Rocky land is there, so it is very the amount of water in the irrigation well is not sufficient as per our demand. There are many irrigation well, and your two more irrigation well has benefited us, but not at the fullest. So what he is trying to say that if we get abundant water here, we can do more agricultural practices here, and on a solution he is giving that we should drill the deep boring. Okay. Is also adding well in the kharif season there is water availability in yes but at the time of garma season the water level goes down okay so it's very difficult for farmers to cultivate and irrigate the land okay
All right, but this is an important addressed, or did they discuss it when they were doing the Gram Sabha resource management plan? दादा ये आपसे दीदी पूछ रही हैं क्या आप लोग ने उस बात को ग्राम सभा में रखा है? लोग चर्चा करते हैं अपने आप, यदि हम लोग कुआं के बदौलत यदि बोरिंग एक दो हो जाए अच्छा होगा, विकास होगा, हम लोग खेती कर पाएंगे। अपने में हम लोग बात करते हैं लेकिन ये बात रखेंगे, यही विचार में हम लोग हैं। मतलब ग्राम सभा में अभी तक रखाया नहीं है? अभी नहीं रखाया, हम लोग विचार सबको ही कर रहे हैं। काहे की प्रखंड स्तर से हम लोग को बहुत पूर्व में 20 कुआं खुदाया है मेरे गांव में। अच्छा। लेकिन एक भी कुआं कामयाब नहीं है। अच्छा। एक दो ठो ऐसा कुआं है सिर्फ पानी पीने भर पानी मिलता है, खेती करने लायक नहीं रहता। इसीलिए हम लोग को उम्मीद है कि but we haven't proposed it in the Gram Sabha. Okay. But even earlier, so in the past from the block, we have received 20 numbers of well here. Right. And most of them have dried now. Okay. Okay. All right. So that's why he's saying that we will put that proposal in the Gram Sabha. But if something can happen, that will be benefited to our agriculture. संजय कुमार रे हैज विजिटेड दिस विलेज इन नेक्स्ट टू एडजेसेंट टू दिस विलेज एंड ही हैज प्रपोज्ड अबाउट द लिफ्ट इरिगेशन राइट दे आर डोंट हैविंग आप लोग गांव में नदी तो नहीं है? नहीं, दे डोंट हैव एनी रिवर सिस्टम। ओके ओके, बट इट वुड बी यूजफुल टू हैव हिम लुक एट इट एंड देन यू नो बिकॉज सम ऑफ दीस एरियाज व्हिच आर रॉकी you can look at different micro irrigation projects. Yeah, exactly. Because ma'am, what we are feeling and experiencing, the community is very eagerly going to cultivation. Due to availability of water.